वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले GTU कन्वोकेशन 2020। डिप्लोमा का स्टूडेंट हो, डिग्री के हो, फार्मेसी के हो, कोई भी कोर्स के सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो आप, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कन्वोकेशन में जो सर्टिफिकेट में आपका फ़ोटो आने वाला है वो ओल्ड फोटो आने वाला है। तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू चेंज कन्वोकेशन फोटो। यहाँ पर आप डिस्प्ले पर देख सकते हो करंट फोटो में मेरा ओल्ड फोटो है। 4 ईयर यानी 2017 में मैंने डिग्री ज्वाइन किया था और 2020 में यहाँ पर आपको दिख जाएगा अपलोड न्यू फोटो। मैंने जो करंट वाला फोटो था वो चेंज करके अपलोड न्यू फोटो कर दिया है। और अपलोड करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल पर जाना पड़ेगा, एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चर कोड आप डाल के लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप अपने जो फोटो है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा पेज दिखाई देगा और यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हो अपलोड फोटो। यहाँ पर आपको पहले चूज फाइल को सिलेक्ट करना है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद अपलोड करने के बाद आपको ऊपर ऐसा दिखाई देगा, योर फोटो अपलोड इज नॉट अप्रूवल बाय योर इंस्टीट्यूट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू योर इंस्टीट्यूट फोटो अपलोड ऑन 9 सितंबर 2020। यानी मैंने आज ही आपके लिए फोटो अपडेट करने का वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने अपडेट किया है और ऐसे ही मेरे को अपडेट करना ही था। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपने इंस्टीट्यूट पर आपको HOD को मेल करना है या तो आप कॉन्टैक्ट फ़ोन करके भी बात कर सकते हो कि सर मेरा लेटेस्ट फ़ोटो, रिसेंट फ़ोटो मैंने अपडेट जो किया है वो फ़ोटो अपडेट कर दीजिए, क्योंकि GTU की जो वेबसाइट पर है वो मेरा ओल्ड वाला फ़ोटो है, इसके लिए मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो इसकी रिक्वेस्ट आपको आई होगी तो वो अप्रूव कर देना, बाद में आपको इसको कॉन्टेक्ट कर देना है। और फोटो अपडेट करने के वक्त आपको क्या क्या ध्यान में रखना है मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट फोटोग्राफ रिक्वायरमेंट, इमेज की साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फोटो का डायमेंशन एटलीस्ट 45 mm हाइट, 35 मिनट विड्थ होनी चाहिए। हेड साइज 32 mm टू 36 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड, नॉट हियर टू बॉटम ऑफ द चेन। नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए, माउथ आपका क्लोज होना चाहिए, गुड लाइट, नो शेडो बिहाइंड द हेड ऑफ द फेस, आइज लुकिंग डायरेक्टली एट द कैमरा, पेन लाइट, कलर, बैकग्राउंड, हाई रिजोल्यूशन, गुड क्वालिटी। इतना आपको एडिटिंग करना है, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डायमेंशन भी आप चेक कर सकते हो। नॉट एप्लीकेबल, कौन सा फोटो एप्लीकेबल नहीं होगा। इमेज साइज मोर देन 100 KB, शेडो बिहाइंड द हेड, रेड आई, बैकग्राउंड नॉट प्लेन, फोटोग्राफ साइज टू स्मॉल, हेड साइज टू बिग और टू स्मॉल, फ्लैश रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ग्लास और टिंटेड ग्लास, ग्लास फ्रेम कवरिंग आई। इतने सब है वो आपको देख लेना है कि आपका फोटो पूरा का पूरा एडिटिंग करके बाद आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो लिंक आप ओपन करोगे आपका स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। अपना एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चर कोड डालोगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। और अपलोड करके आपको अपने फैकल्टी का कॉन्टेक्ट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो करंट फोटो और न्यू अपडेट फोटो, दोनों फोटो में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि दोनों फोटो के बीच में डिफरेंट है, 4 ईयर से ज़्यादा का डिफरेंट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, GTU कन्वोकेशन जो आने वाला है, प्रोविजनल आ चुका है, फेस्ट का अभी रिजल्ट नहीं आया, जो कन्वोकेशन आपका आने वाला है वो मे बी फरवरी तक आ जाएगा, फरवरी भी आएगा, मे भी आ जाएगा, पर जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट आएगा इनमें आपका लेटेस्ट फोटो आपको चाहिए। तो मैंने जो स्टेप बताए इतने स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपका फोटो लेटेस्ट अपडेट हो जाएगा और इतनी अपडेट निकल कर आ रही है। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की जितनी भी वैकेंसियाँ निकल कर आती है सबके वीडियो में चैनल के प्लेलिस्ट में अपडेट कर देता हूँ, ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के वैकेंसी के प्लेलिस्ट में, तो वो वीडियो भी आप देखना। और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए रिक्वायरमेंट थी, और इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था
हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में भी वैकेंसी है, वो वैकेंसी के वीडियो देख के आप अप्लाई कर सकते हो। उसकी डेट अभी तक एंड नहीं हुई है, तो वो वीडियो भी आप देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मेरे आने वाले सब वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि सबको बता दीजिए फोटो चेंज कर दे, क्योंकि अपना जो लेटेस्ट फोटो आएगा वो अच्छा फोटो आने वाला है, ओल्ड वाला फोटो बहुत ओल्ड है। इसके लिए डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, डिग्री के स्टूडेंट हो, सबके लिए अपडेट है। जितने भी ब्रांच है जीटीयू के यूनिवर्सिटी में, सबके लिए इतनी अपडेट है। तो वीडियो शेयर कर देना अपने कॉलेज के ग्रुप में और फ्रेंड को पर्सनली भी आप भेज देना, क्योंकि अपने फ्रेंड भी फोटो चेंज कर ले। इसके लिए इतनी अपडेट निकल कर आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।